नमस्कार, मेरा नाम है खुशी दास। टेक्ने न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त हो चला आज की 10 बड़ी खबरों का। मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित दो विधेयक पेश किए गए। पहला विधेयक जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया, जो राज्य के आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करता है, जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि दूसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है, जिसके तहत राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल में सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही केंद्र सरकार सभी शनिवारों को बैंकों में छुट्टी घोषित करने पर फैसला ले सकती है। सरकारी बैंकों की मैनेजमेंट की बॉडी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार को इसका प्रस्ताव सौंप दिया है। साथ ही सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में 15-20% तक की बढ़ोतरी पर भी मुहर लग सकती है। वेतन बढ़ोतरी से देश के 8.5 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारियों को फायदा होगा। बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संविधान निर्माता बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद परिसर पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि दी। नेताओं ने बाबा साहेब के कार्यों को याद किया और कहा कि उनके बताए कदमों पर चलना ही उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि हो। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान निचोंग ने विकराल रूप ले लिया है। मंगलवार को तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान आंध्र प्रदेश में 24 घंटे तक इस तूफान में फंसे रहे, लेकिन बचाव टीम ने उन्हें बचा लिया है। वहीं देश के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। चेन्नई में दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब की शुरुआत की गई है। इससे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है। इस अस्पताल को आपातकालीन स्थलों पर पहुंचने के बाद 1 घंटे में स्थापित किया जा सकता है, जबकि अस्पताल के सर्जिकल स्टेशन को सिर्फ 15 मिनट में ही स्थापित किया जा सकता है। अस्पताल में 200 रोगियों का इलाज किया जा सकता है। साथ ही साथ अस्पताल को भूकंप, बाढ़ अथवा युद्ध क्षेत्र समेत सभी आपातकालीन परिस्थितियों में स्थापित किया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम ने